नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशा मंडान और आप देख रहे हैं इस वक्त केपीपीएन न्यूज। रुक करते हैं हम इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अयोध्या में मेडिकल स्टोर के मालिकों ने ड्रग इंस्पेक्टर के ऊपर भ्रष्टाचार और उत्पीड़न के आरोपों को लेकर अयोध्या जनपद में दवा के थोक और फुटकर व्यवसायियों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी लगातार जारी रही, जिसकी वजह से मरीजों और उनके तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं शुक्रवार से शुरू हुई केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की हड़ताल के दूसरे दिन भी दवा की थोक और फुटकर दुकानों पर बड़े बड़े ताले लटके दिखाई दिए। दवा दुकानों के बंद होने से गंभीर रूप से बीमार और चोटिल लोगों को दवा के लिए भटकना पड़ा। सरकारी अस्पतालों में लोगों की भीड़ जमा रही। वहीं इस हड़ताल के मद्देनजर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष अवि आनंद ने बताया कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती, तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि मानवता के नाते हमारी हड़ताल से किसी मरीज और घायल की जान नहीं जाएगी। इमरजेंसी में मरीजों को दवाएं हम उपलब्ध करवाएंगे। बता दें कि जिले में तैनात ड्रग इंस्पेक्टर सीपी रस्तोगी पर आरोप है कि उन्होंने दवा व्यवसायियों से उनके लाइसेंस के नवीनीकरण के नाम पर और नए लाइसेंस बनाने सहित दूसरी वजहों को लेकर व्यापारियों का उत्पीड़न किया है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। इसी मामले को लेकर अयोध्या में दवा की सभी दुकानें 2 दिन से बंद है, जिसकी वजह से आम लोग परेशान है। अयोध्या से केपीपीएन न्यूज संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हमारी मांगे मान लेंगे, लेकिन हम लोग अपनी पहले हड़ताल वापस लें। हमारा कहना यह है कि पहले आप हमारी मांगे पूरी कर दीजिए, तब हम हड़ताल वापस लेंगे, क्योंकि ये हक और हकूक की लड़ाई है। ये एक बहुत ही भ्रष्ट और पागल किस्म के अधिकारी को यहाँ से हटाने की लड़ाई है। ये तमाम व्यापारियों का है जिनका जीवन वहाँ से चलता है, जिनका परिवार उस व्यापार से चलता है, उनके परिवार को जिलाने की, उनके परिवार को सुरक्षित रखने की, उस व्यापारी का मान सम्मान रखने की लड़ाई है। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल जी और प्रदेश महामंत्री दिवाकर सिंह जी, वो सुबह ड्रग कंट्रोलर से मिले हैं, उनसे वार्ता किया है। शाम को 4 बजे प्रमुख सचिव जी से मिलेंगे, उनसे वार्ता करेंगे। कल 12 बजे वो लोग यहाँ पर आएंगे, उनसे की गई वार्ता हम लोग को बताएंगे। आगे हम लोग को गाइडलाइन देंगे कि पूरे प्रदेश बंद करने की तैयारी की जाएगी, या कोई ऐसी वार्ता हो गई है या ऐसा कोई सोल्यूशन निकल गया है जिससे हम लोग अपनी हड़ताल वापस देंगे अगर उन्होंने हमारी मांगे पूरी करवा ली। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो प्रदेश पूरा हमारे समर्थन में तैयार खड़ा है, लेकिन हम लोगों ने उनको रोका हुआ है कि यहाँ की लोकल समस्या है, तो पूरा प्रदेश का नागरिक, आम नागरिक दवा के अभाव में परेशान ना हो, इसलिए हम लोग ऐसा कदम अभी उठाने से रोक रहे हैं। लेकिन जब कोई चारा नहीं बचेगा तो मजबूरी में ऐसा कदम उठाना पड़ेगा। मरीजों के लिए अगर आपका संगठन वो तो मैंने आपको लोगों को पहले बताया कि अभी आज तक हमने जो भी नर्सिंग होम के अंदर मेडिकल स्टोर है उनको खुले रखे हुए हैं, उनको बंद नहीं किया हुआ है। जो इमरजेंसी केसेस निजी नर्सिंग होम में है उनको वहाँ से दवाई कैटर हो रही है। अपना फ़ोन नंबर, अपने मीडिया प्रभारी का फ़ोन नंबर, अपने रिटेलर प्रभारी का फ़ोन नंबर, अपने महामंत्री का फ़ोन नंबर मैंने फ्लैश करा रखा है। जिनको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं उस नंबर पर संपर्क करके उनको उस मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ उपलब्ध करा दी। लेकिन सिर्फ इमरजेंसी दवाइयाँ, मतलब सर दर्द की, पेट दर्द की दवाइयाँ नहीं, जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वही दवाई उनको मिल पाएगी। अभी आनंद, अध्यक्ष, फैजाबाद केमिस्ट एंड ड्रग्स सचिव।